Welcome students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English chapter number 15. The title of this chapter is Mustafa Kamal which is written by Wilfred F. Kessel. Students, इससे previous lecture में हमने इस chapter की जो detailed discussion है वो complete की थी. आज के इस lecture में हम question answer discuss करेंगे. हमारे पास पहला question है, What was the attitude of Turkish government? तुर्की की हुकूमत का क्या रवैया था? Towards की तरफ, the Allies, Allies की तरफ, after World War I, जंगी अजीम अव्वल के बाद. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, Turkish government and बादशाह were eager to collaborate होता है हाथ मिलाने के लिए तैयार थे with the Allies, Allies के साथ, मतलब जितनी भी allied forces थी उनके साथ, ना सिर्फ बादशाह बल्कि जो तुर्की की हुकूमत थी वो भी हाथ मिलाने के लिए तैयार थी, उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार थी. नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑपरेशन विद एलीज वर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन. और वो ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी कौम का बेहतरीन मुफाद इसमें छुपा हुआ है, या फिर उनकी बका तभी मुमकिन है अगर वो अलाइड फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन कर लेते हैं, उसके साथ हाथ मिला लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 2, What was Mustafa Kemal, why was Mustafa Kemal sent to Anatolia? कि मुस्तफ़ा कमाल को एनाटोलिया क्यों भेजा गया था, किस वजह से? स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो क्या, कौन थे? एक जनरल थे तुर्किश आर्मी के, और इनको एनाटोलिया भेजा गया था. क्यों भेजा गया था, किस लिए? टू क्रश द रिबिलियस मूवमेंट ऑफ एनाटोलिया. अब हुआ कुछ यूँ कि जब अलाइड फोर्सेस ने ऑटोमन एम्पायर इस्तांबुल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो दूर दराज के एक इलाके जिसका नाम एनाटोलिया था, वहाँ पे कुछ पैट्रियट्स, कुछ मुहब्बे वतन ने एक रिबिलियस मूवमेंट, एक बागी तहरीक शुरू कर दी, और उन्होंने जगह जगह पे दंगे फसाद, लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह करने शुरू कर दिए. इस रिबिलियस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को एनाटोलिया भेजा गया था, और भेजा किसने था? और उस वक्त के बादशाह जिसका नाम महमद था, महमद ने मुस्तफ़ा कमाल को एनाटोलिया में रिबिलियस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए भेजा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, What was the reaction of the Turkish patriots to the intention of the Allies to partition the Ottoman Empire? Ottoman Empire की जब तकसीम करने का फ़ैसला किया गया, तो जो तुर्की पैट्रियट थे, जो तुर्की के महबे वतन थे, उनका रद्द अमल क्या था, वो क्या कर रहे थे? तो क्या हुआ कि not only the Turkish patriots but also the friends of allies were infuriated by the idea of partitioning Ottoman Empire. अब Ottoman Empire जो है, जिसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल था, उसको जो हिस्सों में तकसीम करने का जब फैसला किया गया, तो ना सिर्फ तुर्किश मुहब्बे वतन गुस्से में आ गए, बल्कि एलिस जो थे उनके अपने दोस्त भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए थे. इसके अलावा देखें, इट वाज़ लाइक अ फ्लेम, ये एक ऐसे शोले की तरह था इन द हार्ट्स ऑफ तुर्किश मैन एंड वुमेन, जो तुर्की के मर्दों ख़वातीन हैं उनके दिलों में जलते हुए एक शोले की तरह था. वो अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहते थे दोबारा से, जैसा कि पहले वो वहाँ पे रह रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट ऑन मुस्तफ़ा कमाल्स एक्टिविटीज़ इन एनाटोलिया. अब मुस्तफ़ा कमाल जब एनाटोलिया पहुँचा, तो वहाँ पर उसने कौन कौन सी सरगर्मियाँ सर अंजाम दी, उसके ऊपर आपने नोट लिखना है. मुस्तफ़ा कमाल मेट अली फॉर द कमांडर ऑफ आ स्मॉल आर्मी एट एनकारा के मकाम पे वो एक कमांडर से मिला, जो कि एक आर्मी का कमांडर था, और उसका नाम क्या था? अली फॉर्ड था. इसके बाद इसने क्या किया कि इन अ सीक्रेट मीटिंग ही मेड अ प्लान ऑफ रेजिस्टेंस, कि इसने एहतजाज के लिए या फिर अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए एक खुफिया मनसूबा तैयार किया बाकी पैट्रियट्स के साथ मिलके, जिसको इसने एक आर्मी में कन्वर्ट कर दिया था. एंड डिसाइडेड टू बिल्ड एन आर्मी, फिर उसने फैसला किया कि इस तरह अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड रहे तो हम कभी भी अपने मुल्क को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, इसलिए हमें इंडिपेंडेंटली अपनी एक आर्मी तैयार करनी होगी. उसके बाद इन्फ्यूज़ द न्यू स्पिरिट इन द पैट्रियट्स, उसने जो मुल्क के मुहब्बे वतन थे, जो अपने वतन को आज़ाद कराना चाहते थे, उनके अंदर एक नई रूह जो है वो पैदा कर दी थी, उनके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा कर दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिनोपल
आर इस्तंबुल, जिसको अभी इस्तंबुल कहा जाता है। तो क्यों बादशाह ने, मेहमत ने मुस्तफ़ा कमाल को वापस कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर इस्तंबुल वापस आने के लिए क्यों कहा था? बिकॉज मुस्तफ़ा कमाल हैड सक्सेसफुली रेज द नेशनल आर्मी ऑफ पैट्रियोट्स। क्योंकि मेहमत को ये पता चल चुका था कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी एक कौमी फ़ौज जो है वो तैयार कर ली है और वो मुकम्मल तौर पे जो अलाइड फोर्सेस हैं उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखें उसने और क्या किया था, रिबेलियस मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट मेहमत, और उसने जो पैट्रियोट्स में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा था उसको और ज़्यादा उभारा, और इस जज्बे ने एक रिबेलियस मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर ली, एक आप कह सकते हैं कि बगावत पे मबनी एक मुहिम की शक्ल अख्तियार कर ली। तो इसकी वजह से कि ये रिबेलियस मूवमेंट कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए और जो हमारी हुकूमत है वो हाथों से, हमारे हाथों से ना चली जाए, जो मेहमत है उसने मुस्तफ़ा कमाल को दोबारा इस्तंबुल वापस बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल्स रिप्लाई। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का रिप्लाई क्या था, उसने क्या जवाब दिया? ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ बादशाह एंड वोट टू फाइट टिल हिज लास्ट ब्रीथ। अब बात जो बादशाह के ऑर्डर्स थे मुस्तफ़ा कमाल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको उसकी फरमाबरदारी करने से इनकार दिया, कर दिया, और उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और उसका एक रिप्लाई जो उसने बादशाह को लिखा था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या था? आई शुड स्टे इन एनाटोलिया अनटिल द नेशन हैज़ वन इंडिपेंडेंस, कि जब तक कौम जो है आज़ादी, कौम आज़ादी हासिल नहीं कर लेती तब तक मैं अनातोलिया में ही रहूँगा, यहाँ से बिल्कुल भी वापस नहीं आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड मेहमत ट्राई टू रेगेन अनातोलिया फॉर हिमसेल्फ। कैसे जो मेहमत है उसने अनातोलिया को दोबारा रीगेन करने की कोशिश की थी, तो इसने क्या किया था? अनएक्सपेक्टेडली एग्रीड टू समन अ गवर्नमेंट प्लीजिंग नेशनलिस्ट। उसने जो कौमी पैट्रियोट थे उनको सेटिस्फाइड करने के लिए एक गवर्नमेंट बनाने के लिए रजामंदी शो की, और फिर क्या हुआ कि डेलीगेट्स ऑफ एनाटोलिया को ट्रांसफ़र देयर एक्टिविटीज़ टू इस्तंबुल। और फिर इसने चलाके से कहा कि जितने भी डेलीगेशंस हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल है जो अमन जाते हैं, वो क्या करें, एनाटोलिया से इस्तंबुल आएं। और इस तरह उसने चलाकी से उन पैट्रियोट्स के जो हुब्बुल वतनी का जज्बा था या फिर जो रिबेलियस मूवमेंट थी उसको चलाकी से रोकने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड हिज प्लान फेल। लेकिन उसका प्लान फेल क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजंस क्या थी? तो क्या हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल रिफ्यूज टू फॉलो हिज कमांड। अब क्या हुआ, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पर मौजूद था और उसने क्या किया कि उसकी जो हुक्म था उसको मानने से इनकार कर दिया। ही सजेस्टेड दैट द पार्लियामेंट शुड सिट इन अनकारा। उसने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पे बैठेगी, अनकारा में, इसके बजाय कि वो इस्तंबुल में हो, कि मतलब हम इस्तंबुल नहीं आएंगे बल्कि आप लोग ये पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पे बनाएंगे, अनकारा में बनाएंगे, फार्मा लार्ज आर्मी। और इसके अलावा इसने क्या किया मुस्तफ़ा कमाल ने कि अपनी एक ऐसी आर्मी बना ली जिसको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9, वट वर द टर्म्स ऑफर टू तुर्की बाय द एलाइज। वो कह रहे हैं कि एलाइज के ज़रिए तुर्की को कौन कौन सी पीस ऑफर्स जो हैं वो की गई थी, अमन के लिए कौन कौन सी पेशकश की गई थी। तो यहाँ पे देखें, ऑटोमन एम्पायर शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द एलाइड पार्ट्स, कि जो ऑटोमन एम्पायर है ना वो किसके सुपरविजन में रहेगा, अलाइड पार्ट्स की सुपरविजन में रहेगा। इसके अलावा ईस्टर्न एनाटोलिया जो है बी एडेड टू द स्टेट ऑफ आर्मीनिया, आर्मीनिया की जो रियासत है उसमें एनाटोलिया को, ईस्टर्न एनाटोलिया को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अजमीर का इलाका जो है वो किसको दे दिया जाएगा, यहाँ पे वो ग्रीक को दे दिया जाएगा। और इसके अलावा सिसलिया एक और इलाका था वो किसको दे दिया जाएगा, फ्रांस को। इसके अलावा इस्तंबुल जो है बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर, वो एक इंटरनेशनल सेंटर के तौर पे वैसे का वैसा मौजूद रहेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रीक अटैक एंड इट्स डिफीट। के जब ग्रीक ने हमला किया
तो उसके असरात क्या थे और उन्होंने कैसे हमला किया और कब किया। तो ग्रीक्स अटैक्ड ऑन 21 अगस्त 1921 में ग्रीक्स ने हमला किया इन माउंटेन कंट्री अबव द सकारिया रिवर। सकारिया रिवर की ऊपर वाले इलाके में एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे उन्होंने हमला किया। और फिर क्या हुआ कि इनके और जो तुर्की के पैट्रियट्स थे, मुहब्बे वतन थे, जो उनकी आर्मी थी, उनके दरमियान तकरीबन 14 दिनों तक लड़ाई जारी रही। और फिर आखिरकार क्या हुआ कि 4 सितंबर को ग्रीक्स को डिफीट हो गई थी, उनकी हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 11। गिव एन अकाउंट ऑफ दी डिपार्चर ऑफ मेमन फ्राम इस्तंबुल, कि मेमन जो है वो कैसे इस्तंबुल से रवाना हुआ था या फिर वहाँ से वो भागा था। तो ऑन द 17th of November 1922 में और 17 नवंबर को क्या हुआ कि एक ब्रिटिश मोटर एम्बुलेंस जो है वो मेहमत के पैलेस महल के सामने रुकी और उसमें क्या देखा गया कि मेहमत ने कुछ बैग जो है उसमें रखे और वहाँ से वो अपने भागने के रास्ते पे हो लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू दी पोजीशन ऑफ वुमेन। अब पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में उसने क्या काम किया कि मेहमत ने कौन कौन से इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए, तो औरतों के लिए क्या काम किया, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, नाख्वानदगी को कैसे रिमूव किया, चेंज इन ड्रेसेस, उसने अपनी ड्रेसिंग में चेंज कैसे लेके आया, अडॉप्टेशन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट और जो रोमन लैंग्वेज है उसको कैसे यूज़ किया गया, एंड द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके अलावा इंडस्ट्री और इकोनॉमी की फील्ड में उसने कौन कौन सी तरक्कियां की थी, इसके बारे में हमने बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले औरतों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उसने औरतों के लिए वेल लेना जो है वो कंपलसरी नहीं करार दिया था। इसके अलावा औरतों की एजुकेशन के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, इसने सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे किया था और जो मैसेज हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इस तरह क्या हुआ कि इलिटरेसी जो है वो कम होने लगी। चेंज इन ड्रेसेस, अब चेंज इन ड्रेस में क्या खास बात है कि इसने जो फेस का इस्तेमाल किया जाता था, टर्किश टोपी का यूज़ किया जाता था, उसको लिबास का हिस्सा जो है वो ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा अडेप्टेशन ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट, उसने जो अरेबिक स्क्रिप्ट था तुर्की की लैंग्वेज का उसको ख़त्म करके रोमन स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और ज़बान को प्योरीफायर किया था, बहुत ज़्यादा साफ़ किया था। द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्री की फील्ड में उसने क्या किया कि उसने हैवी इंडस्ट्री को डेवलप किया। इसके अलावा उसने सड़कें बनाई, उसने रेलवेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, इस तरह के और भी बहुत सारे काम उसने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सम अप इन अ फ्यू सेंटेंसेस द वर्क ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एज अ ग्रेट नेशन बिल्डर, एक अजीम कौम बनाने वाली की हैसियत से मुस्तफ़ा कमाल के कुछ कामों के ऊपर नोट लिखें। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल वो बंदा है जिसने जो मॉडर्न तुर्की है उसकी बुनियाद रखी थी, लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न तुर्की। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उसने अपने मुल्क को आज़ाद करवाया फॉरेन जो ऑक्यूपेशन थी या फिर कब्ज़ा था, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ही लिबरेटेड हिज़ कंट्री फ्राम फॉरेन ऑक्यूपेशन, के बैरूनी कब्ज़े से उसने अपने मुल्क को आज़ाद करवाया। इसके अलावा क्या हुआ कि इसने अपने दौर में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया, इसने रोड्स बनवाए, इसने रेलवे सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाया, इसने हॉस्पिटल्स बनवाए, इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, इसने जो पुरानी नोबेलिटीज़ थी या फिर टाइटल्स थे उसको बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा इसने जो है मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसने औरतों की जो औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी, औरतों के हकूक़ के बारे में इसने बहुत ज़्यादा जो है काम किया। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक सो कि आप लोगों का आज का मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।